मंकी किंग रिलोडेड। तो यहाँ पर इस फिल्म की कहानी है सनी की, जो कि एक बंदर होता है और उसका यहाँ पर काम है, यानी कि एक तरीके से अब उसका एक मकसद है कि उसे अपनी एक केयर टेकर यानी कि गोगो को बचाना है और इसके अलावा डीमन किंग से इस दुनिया को भी बचाना है। तो वो कैसे करेगा, किसकी मदद लेगा, कैसे इस समस्या का समाधान करेगा, यही है इस फिल्म की कहानी। और ऊपर से उसकी ख्वाहिश भी है कि उसको मंकी किंग जैसा एक पावरफुल एक तरीके से सुपर हीरो बनना है, तो वो कैसे बनेगा या फिर बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, और ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या फिर सच में ऐसा कुछ है, यही है इस फिल्म की कहानी। तो देखो, जिस तरीके से मैंने आपको फिल्म की स्टोरी बताई होगी वो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा तगड़ी लगी होगी, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से फिल्म उतनी दमदार नहीं लगी मुझे, और सच कहूं तो उतनी दमदार है भी नहीं। तो देखा जाए तो ये जो फिल्म है ना, देखकर ऐसा लगता है कि ज्यादातर तो करके इस तरीके से फिल्म को बनाया गया है कि ये फिल्म बच्चों को ज्यादा पसंद आएगी, और देखा जाए तो बच्चों के हिसाब से एक ठीक ठाक कंटेंट ये फिल्म प्रोवाइड कर देती है, जहां पर अच्छा खासा एक्शन एक्शन एडवेंचर भी आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएगा। तो मुझे जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे बस एक बात समझ में आई है इस फिल्म को देखते हुए कि अगर आप इस फिल्म को एक बच्चे की तरह बनकर अगर देखने की कोशिश करोगे, एंजॉय करने की कोशिश करोगे ना, तो तब जाकर कहीं ये फिल्म आपको एक तरीके से सार्थक लगने लगेगी। फिल्म देखने का मतलब एक मतलब बनेगा कि हाँ चलो मैंने एक फिल्म देखी है और फिल्म देखने का सही मुझे फायदा हुआ, क्योंकि फिल्म को इतना मतलब इस तरीके से बना कर रखा गया है कि अगर आप बच्चा की तरह बनकर या बच्चे की तरह एक फिल्म को मतलब इस फिल्म को अगर नहीं देखोगे ना, तो आपको फिल्म में काफी सारी कमी खामियां नजर आने लगेगी, फिल्म देखने में आपको मजा नहीं आएगा, बोरिंग टाइप लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार दम नहीं है फिल्म में, जो मैं एक तरीके से एक्सपेक्ट करके चल रहा था, जिस तरीके से जो हमें देखने को मिलना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है पता है, फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिल जाती है ना, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के लेवल को इतना टॉप पर पहुंचा देती हैं, और उसके बाद जिस तरीके से मूवी आगे बढ़ती है ना, वो इस तरीके से आगे बढ़ती है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और जो मूवी का कंटेंट है वो मैच ही नहीं करता है। तो उस वजह से ना मूवी देखने में वो मजा नहीं आता है, मूवी दमदार नहीं लगती है, और मूवी में वैसा कुछ देखने को मिलता भी नहीं है, हालांकि मिलता है लेकिन वो इतना काफी नहीं है कि उसको आप उस तरीके से एंजॉय कर पाओ जैसा कि शायद बच्चे इस फिल्म को देखेंगे तो ज्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए ये फिल्म है और उनको ये फिल्म अच्छी लगेगी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक सी फिल्म है जिसको बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। फिल्म की हल्की हल्की कॉमेडी जो मूवी के बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी, इसके अलावा एक्शंस और इसके अलावा जो पूरी जर्नी एडवेंचर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो खोज में निकलता है सनी बंदर, तो ये हमें जो देखने को मिलता है वो एक तरीके से बच्चों को बांधे रखेगा, उन्हें काफी अच्छे से एंटरटेन करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ बड़ों की, तो उनको बच्चा बनकर इस फिल्म को देखना पड़ेगा तभी वो एंजॉय कर पाएंगे, वरना जिस तरीके से फिल्म शुरुआत में एक हाइप क्रिएट कर देती है फिर अचानक से दब जाती है और फिर पता नहीं एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करती है, तो एक तरीके से लगता है कि फिल्म कहीं ना कहीं फेल हो रही है, फिल्म में वो बात रही नहीं जो कि फिल्म शुरुआत में देखने में लगा था। तो ये इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी लगी मुझे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए रिकमेंडेड फिल्म है, बच्चों को आप ये फिल्म दिखा सकते हो, एक अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी तो नहीं मतलब एक ओके टाइप मूवी है जिसको अगर आप चाहो तो उनको दिखा सकते हो, फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है और चाहो तो आप भी देख सकते हो खुद को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन हाँ, ज्यादा कुछ उम्मीद मत करना और जो आपको देखने को मिले उसको बस मान के चलना कि बस हमको एक रेफरेंस के तौर पर दिया गया है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस वही है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस मूवी से रिलेटेड, और देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है कि नहीं। चुहार।